वेरी मच गुड इवनिंग, नमस्कार सबको। वुमेन कमीशन की मेंबर हमारे बीच में है और ऑफ कोर्स औरतों पे जितना अत्याचार होता है, जो पुरुष प्रधान समाज है, मैं भी पक्की फेमिनिस्ट रही हूँ मेरी पूरी ज़िंदगी, पर मैं औरत नहीं हूँ, मैं किन्नर हूँ और इस बात का मुझे गर्व है। आप लोग तब से कह रहे थे कि मर्द औरत के, मुझे बड़ा घुटन सा महसूस हो रहा था और मैं ये कब चिल्ला के कहूँ कि हेलो मैं भी इधर हूँ, जो आपकी खुली आंखें देखते हुए भी अनदेखा कर देती हैं। और मैं दुनिया की पहली किन्नर रही हूँ जो यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट ऑफिस की सिविल सोसाइटी टास्क फोर्स की पहली किन्नर थी जो एचआईवी एड्स पे था 2008 में। और हम लोगों ने पहली संस्था शुरू करी थी 99 में किन्नरों की पूरी एशिया में एचआईवी पे। मर्द औरत सबको एचआईवी ने, एचआईवी एक ऐसी बीमारी है जिसका मुझे बहुत प्यार है इस, और लोग कहते हैं एड्स एड्स, पर लोग एचआईवी मेन भूत कारण होता है, ये सभी डॉक्टर गण यहाँ पे हैं उन्हें पता ही होगा। बेसिक थिंग इज ये बीमारी लैंगिकता को नहीं देखती, वो मर्द औरत किन्नर गे लेस्बियन सबको एक नज़रों में देखती है। ये बात का मुझे खुशी है कि कुछ तो चीज़ें दुनिया में जो लैंगिकता का भेदभाव नहीं रखती। और इस बीमारी की वजह से हमारे इश्यूज प्लेटफॉर्म पे आए, गवर्नमेंट और समाज ने हमें पहली बार देखा, क्योंकि ये सो कॉल्ड ये समाज से ही हमारे समाज में आया हुआ है, कहीं पर देश से नहीं आया। ये चीज़ें दो तीन चीज़ें जो आरके एचआईवी एड्स रिसर्च सेंटर जो काम करती है, बहुत सारा रिसर्च बाकी है, डॉक्टर धर्मेंद्र भी उसमें लगे पड़े हैं। ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा डॉक्टर जी से कि वो भी जितना मर्द औरत के लिए करते हैं उतना हमारे लिए भी कीजिए, क्योंकि नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी के जहाँ पे भी सेंट्रल सर्वेलेंस का आप देखेंगे, हाईस अफेक्टेड कोर ग्रुप हमारा रहा है। और ये पहली बार नेशनल एड्स कंट्रोल लड़ने के बाद चौथा ग्रुप बना है जिसपे किन्नरों का एक ग्रुप बना है कि जा ये बीमारी हमें भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात है लोगों का जो नज़रिया है वो बदलना ज़रूरी है। करोड़ों रुपए जा रहे हैं इस बीमारी में, पर आज भी जैसे आपने कहा अर्बन में तो बहुत कुछ मालूम है, कॉन्डम्स आम होनी चाहिए और उसका सही रूप में युवाओं को समझाना चाहिए, और जितना अर्बन में है उससे 10 गुना ज़्यादा काम हमें रूरल एरिया में करना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा कि स्थिति दयनीय है। हम लाभ कहते कि हमारा प्लेटो पे है रेशो, हम नीचे उतर रहे हैं, पर तभी भी इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे रियल नंबर्स ऑफ एचआईवी पेशेंट्स सही रूप में नहीं मिल सकता। इसके लिए काम करते रहना है और मैं शुक्रगुजार हूँ आरके रिसर्च सेंटर का कि ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरी सारी शुभकामनाएं और हमारा सपोर्ट हमेशा उनके साथ रहेगा। धन्यवाद।